सब्सक्राइब कीजिए एमके फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, आज मैं फाइनली टेक्नो कैमन आई की कुछ सेटिंग्स, सीक्रेट सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों के पता है कि टेक्नो कैमन आई जो है हीटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा हीटिंग होती है। तो गाइस, मैं इस वीडियो के अंदर मैं हीटिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे ये इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, और भी आप जो है टेक्नो कैमन आई को वायरलेस डिस्प्ले बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, वेल ये सारे चीज़ जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। तो चलिए इंट्रो देखने के बाद शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि टेक्नो कैमन आई जो है वो हीटिंग प्रॉब्लम क्यों होती है। मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके मदद से जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बट पहले मैं आपको बता दूं कि हीटिंग प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप होम में रहते हो या फिर आउटडोर में रहते हो, तो आपका जो ब्राइटनेस है, ये वाला जो ब्राइटनेस है, आप क्या करते हो यहाँ पर कम से कम कर देते हो, एंड उसके बाद जो है कुछ लोग तो एकदम फुल कर देते हैं, एंड कुछ लोग क्या करते हैं ये वाला ऑप्शन को, आउटडोर ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, इसे इनेबल कर देते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन का जो जितने भी ब्राइटनेस है, सारे ब्राइटनेस यहाँ पर लग जाएगा, एंड आपका फ़ोन का बैटरी भी खर्च होंगे, एंड आपका जो फ़ोन है वो भी हीटिंग हो सकता है, यानी हीटिंग होगी ही। तो उसके लिए आपको करना है क्या, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको ब्राइटनेस जितने भी ब्राइटनेस है आप अपने फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ब्राइटनेस चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ऑटो ब्राइटनेस कर देना है, जिसके मदद से आप अपने फ़ोन को हिसाब से आपका फ़ोन जितना भी ब्राइटनेस चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ओके, तो आपको ऑटो पर रहने देना है। ओके, एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है एप्लीकेशन, यानी आप जो है तरह तरह की एप्लीकेशन दिन भर, आज एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कल एक डाउनलोड करते हो, ऐसे में प्ले स्टोर से जितने भी ऐप्स है आप सारे के सारे ऐप्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए आपका जो फ़ोन है बहुत ही परफॉर्मेंस कम कर देता है, एंड बहुत सारे, जैसे कि आप मान लो ये जो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक है, मैं इसका कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है फेसबुक जो है टोटल 113 MB का ये फेसबुक है, बट अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, तो ऑब्वियसली ये जो है धीरे धीरे 500 MB तक बढ़ जाता है। तो गाइस, ऐसे में आप क्या करोगे, जो है फेसबुक है इसे आप इंस्टॉल कर देना है, आपको इंस्टॉल कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है, एंड फेसबुक का जो लीड वर्सन है, उसे आपको इंस्टॉल करके उसे यूज़ करना है। ओके, आप जितना चाहो कम एप्लीकेशन को यूज़ करो तो ही आपके फ़ोन के लिए बेहतर है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, आप जो है जब इंटरनेट यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, आप फ़ोन को चार्ज लगा के वक्त आप फ़ोन को यूज़ मत करो। तो सबसे पहला, ये मुझे सबसे पहला बताना चाहिए था कि आप फ़ोन को यूज़ करते वक्त अपने फ़ोन को चार्ज मत करो। अगर आप फ़ोन को चार्ज कर रहे हो तो उस वक्त आप फ़ोन को यूज़ मत करो। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिला है कि जो फ़ोन को चार्ज में लगा के वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका फ़ोन जो है बहुत ही गर्म होगी ही, ये डेफिनेटली आपका फ़ोन जो है गर्म होगी, एंड हीटिंग तो ऑब्वियसली होगी ही। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप अपने फ़ोन का जो स्पीड है उसे बढ़ा सकते हो, एंड वर्क भी अच्छी तरह से करेगा तो आपका फ़ोन उतना हीटिंग नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन पर जाना है। आपको डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करना है वो नहीं पता है। तो आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पे जाना है अवॉर्ड फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे डिवाइस का नाम है टेक्नो कैमन आई, आप यकीन नहीं करोगे। ओके, आप कहोगे कि यार तुम्हारा जो डिज़ाइन है वो अलग है। तो कैसे, आपको जाना है फ़ोन अवॉर्ड फ़ोन में, एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्ड नंबर, यहाँ पर बिल्ड नंबर पर आपको 7 टाइम प्रेस करना है, 7 बार प्रेस कर देना है ताकि आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाए। एंड डेवलपर ऑप्शन एनेबल होने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, एंड इसे ऑफ रहेगा आपको ऑन कर देना है। ओके,
ऑन करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है एंड नीचे आप यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो एनिमेशन स्कल, तो यहाँ पे आपको 1x रहेगा, आपको 0.5x कर देना है। ओके, जितने भी आपको 0.5x कर देना है। तो गाइस इससे क्या होगा, इससे आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर होगा एंड आपका जो फ़ोन का परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। तो गाइस सबसे सॉल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा एप्लीकेशन को मत इंस्टॉल करो एंड आपका ब्राइटनेस जो है ऑटो पे रखो एंड यही सारे चीज जो मैं आपको बताया था। एंड लास्ट एट लास्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि टेक्नो कैमन आई में आप वायरलेस डिस्प्ले का मज़ा उठा सकते हो। जी हाँ, आप वायरलेस डिस्प्ले का मज़ा उठा सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद फिर से आपको डेवलपर ऑप्शन पर जाना है एंड फिर से आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्किंग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एंड उसके बाद वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है। ओके, इसे इनेबल करने के बाद आपका जो वायरलेस डिस्प्ले है वो प्रॉपरली वर्क करेगा एंड सारे से यहाँ पे काम करेगा। ओके, तो गाइस ये तो थी कुछ ट्रिक सेटिंग्स। मैं कहना चाहूँगा कि हिडन सेटिंग्स है जो कि शायद आपको नहीं पता है एंड कुछ मैं यहाँ पर ट्रिक्स भी बताया। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करना, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए मेहमान हो तो। गाइस आप लोगों का प्यार है और सपोर्ट है, आप नीचे कमेंट करो कि आगे जो आने वाले वीडियो है वो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। आप जो भी टॉपिक के ऊपर कमेंट करोगे कि मुझे ये वाला इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना के दूंगा और आप लोग पूरा का पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।